नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, जिसे कि हाल ही में FATF की प्री लिस्ट से हटाया गया है। जी हाँ, ये ऐसा बताया जा रहा है कि अराउंड 23 कंट्रीज अभी भी वॉच लिस्ट में हैं, पर FATF की प्री लिस्ट से अराउंड 4 साल बाद पाकिस्तान को हटा दिया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF को वर्ल्ड टेररिज्म फाइनेंसिंग वॉचडॉग भी कहा जाता है। जो भी कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटीज़ की प्रॉपर देख रेख नहीं करते हैं, उन्हें ग्लोबल वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है FATF के द्वारा, और उन पर बड़ी निगरानी रखी जाती है FATF के द्वारा। इसका एक तरह से बोला जाए तो काम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखना। कंट्री अगर FATF की जो कंडीशंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स और रूल्स हैं, उन्हें फॉलो नहीं करते तो उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है, ऐसा बताया जाता है। इंटरनेशनल फंडर्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो भी इवन FATF की रैंकिंग्स को कंसिडर करते हैं और उसके बाद ही किसी भी कंट्री की फंडिंग करते हैं, ताकि जो फंड्स हैं वो गलत चीज़ों में यूज़ ना किए जाएँ कंट्रीज़ द्वारा। इंडिया ने इवन कहा है कि FATF के कारण ही पाकिस्तान को कुछ एक्शंस भी लेने पड़े थे टेररिस्ट के लिए, जिनका इन्वॉल्वमेंट टेररिज्म में था। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों ऐसा जुड़ा मत भूलिएगा। धन्यवाद।